उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू के पीपल्स पार्टी तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग आप से राबते जारी हैं। मियां मंजूर वट्टू का कहना है कि मेरे बेटों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, मैं पीटीआई में शामिल नहीं हुआ था। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू का कहना है कि पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत के ऑप्शन भी मौजूद हैं। 2018 में आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग काफ से मुसलसल राबते में है और किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है तो इस हवाले से हम आपस में बैठ कर बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज लाहौर में ज़ाती मसरूफियात की वजह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात नहीं कर सकूँगा। मुस्लिम लीग नून में मेरी शमूलियत का इम्कान बिल्कुल नहीं है। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू के पीपल्स पार्टी तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग आप से राबते जारी हैं। मियां मंजूर वट्टू का कहना है कि मेरे बेटों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, मैं पीटीआई में शामिल नहीं हुआ था। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू का कहना है कि पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत के ऑप्शन भी मौजूद हैं। 2018 में आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग काफ से मुसलसल राबते में है और किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है तो इस हवाले से हम आपस में बैठ कर बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज लाहौर में ज़ाती मसरूफियात की वजह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात नहीं कर सकूँगा। मुस्लिम लीग नून में मेरी शमूलियत का इम्कान बिल्कुल नहीं है।